नमस्कार दोस्तों, GDPL टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके। और राजस्थान की जीके में आज का हमारा टॉपिक है फेस्टिवल्स, त्यौहार। देखिएगा, राजस्थान जीके RPSC की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाता है, और हाल ही जो एग्ज़ाम्स आ रही हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इस वाले टॉपिक में हमने फेस्टिवल्स के साथ साथ उनसे रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में भी मेंशन किया, सो दैट आप लोग डिटेल्स के माध्यम से अच्छे से स्टडी कर पाएँ। और कुछ फेस्टिवल्स इस वीडियो में जो समाहित नहीं हो पाए हैं वो हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। पहला सवाल है हमारा मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट की जाती है। तो देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें मकर संक्रांति को लेकर, तो मकर संक्रांति हिंदू माह है पौष या माघ में मनाई जाती है। और गाय, जैसा कि आपको इस चीज़ का पता है कि जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाई जाती है। हाँ, रेयर केसेज में ऐसा हुआ है कि जब डेट आगे पीछे हुई है, बाकी ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। और बात करें तो इस दिन का जो पूज्य प्रतीक माना जाता है वो कौन है? सूर्य। मकर संक्रांति को पूज्य प्रतीक कौन है? सूर्य है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, और सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं उनके द्वारा इस दिन अपनी रूठी सास को मनाया जाता है। और पूरे देश में पतंगे उड़ाई जाती हैं, और सुहागन स्त्रियां इस दिन 13 वस्तुओं का दान करती हैं। कितने वस्तुओं का दान करती हैं? 13 वस्तुओं का। तो गाइस, एक ही क्वेश्चन में 3-4 बातों का समावेश किया है हमने, जो हमने आपको इसी में बताया, क्योंकि डिटेल्स होना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है। तो डिटेल्स याद करते रहिएगा, हमने जो डिटेल्स दी हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला हमारा सवाल है बसंत पंचमी। देखिएगा, बसंत पंचमी की अपना ही एक अलग महत्व है। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ, यानी कि हिंदू माह के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। देखिएगा, ये दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, इसका भी हमें बेहद ध्यान रखना है। कई बार सवाल में ऐसे कैसे आ जाते हैं माघ शुक्ल पंचमी और माघ कृष्ण पंचमी, तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, ये बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। और बात की जाए तो ये अंग्रेजी माह जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, और इस पर्व पर ऋतुराज बसंत के आगमन पर माँ सरस्वती एवं कामदेव रति की पूजा की जाती है। और स्पेशली बात करें तो ब्रज प्रदेश में इस उत्सव पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना की जाती है। तो देखिएगा, बसंत पंचमी का त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति में अपना अलग ही महत्व रखता है, तो आपने ध्यान रखने कब मनाया जाता है? माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? माघ शुक्ल पंचमी को। किसकी पूजा होती है? माँ सरस्वती की एवं कामदेव रति की पूजा की जाती है। और साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बताएं, तो इस पर्व में, इस यानी कि इस उत्सव के दौरान ब्रज प्रदेश जो है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना होती है। तो एक ही सवाल में हमारे सामने 2 से 3 सवाल निकल करके आ गए हैं। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल की बात करें तो फुलेरा दूज, तो फुलेरा दूज कब मनाया जाता है? तो बात की जाए तो देखिएगा, फुलेरा दूज, जैसे दूज कहा जाता है, वैसे तो हम लोग दूज बोलते हैं इसको, मगर फुलेरा दूज अंग्रेजी माह की बात करें तो फरवरी मार्च में आता है, और हिंदू माह की बात करें तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फुलेरा दूज? हिंदू माह है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। और बात करें तो उत्तरी भाग में, अगर उत्तरी भाग की बात करें तो वहाँ कृष्ण भक्ति से संबंधित फुलेरा दूज मनाई जाती है, और जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, और यह खास तौर पर मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है। तो गाइस, एक ही सवाल के साथ 2-3 सवाल थे, और अभी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मगर फिर भी हम लोग आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुंधति व्रत, अरुंधति व्रत की बात करें तो ये हिंदू माह है
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है और स्त्रियों के चरित्र उत्थान के लिए व्रत किया जाता है। किसके लिए? स्त्रियों के चरित्र उत्थान के लिए व्रत किया जाता है। अगला सवाल है हमारा आंवला एकादशी। एकादशी से आपको पता लग गया एकादशी तो है, मगर अब हमें माह को देखना है। तो आंवला एकादशी की बात करें तो यह है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है और अंग्रेजी माह है फरवरी मार्च। तो देखिएगा आंवला एकादशी की बात की जाए तो हिंदू माह फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। पुत्र होने पर भी हर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजे जाते हैं जिसे ढूंढ कहते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करें तो क्या है, पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजे जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ढूंढ कहा जाता है। तो भी क्लियर। और अब एक और सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नव संवत्सर क्या है? तो नव संवत्सर है वो अंग्रेजी माह मार्च अप्रैल में होता है और हिंदू माह कौन सा है, चैत्र शुक्ल को। याद रखना नव संवत्सर हिंदू माह चैत्र शुक्ल को। नव संवत्सर के दिन से हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है, इसी दिन संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन हुआ। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद हो गई आपको। अगला सवाल है होली को लेकर, तो होली कब मनाई जाती है? तो होली की बात करें तो गायज ये जो है अंग्रेजी माह है फरवरी मार्च, और हिंदू माह की बात करें तो फाल्गुन पूर्णिमा, अर्थात हिंदू माह में फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है और भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। और बात करें तो देखिए अलग अलग जगह की अलग अलग होलियाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे ब्यावर की देवर भाभी होली प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है, मेवाड़ की भगोरिया होली प्रसिद्ध है, कोटा के आवा का नहान आदि मुख्य होली के त्यौहार माने जाते हैं। और टोलची मार होली जो है वो भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिएगा होली की बात करें तो होली का जो त्यौहार है वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है, ब्यावर की देवर भाभी होली, श्री महावीर जी की लठमार होली, बाड़मेर की पत्थर मार होली, मेवाड़ की भगोरिया होली, ये क्या है पॉपुलर मानी जाती है। तो भी क्लियर गाइज। अब बात करें तो देखिएगा एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नवरात्र प्रारंभ है तो अंग्रेजी माह में मार्च और अप्रैल में और हिंदू माह में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक माने जाते हैं। इन्हें बसंती नवरात्रा कहते हैं। कौन से नवरात्रा? बसंती। राजस्थान में नवरात्रा पर सांची बनाने की परंपरा है। क्या बनाने की है? सांची। सांची क्या है अभी इसको भी देख लीजिएगा। सांची सांचा शब्द का अपभ्रंश है जिसका तात्पर्य है हूबहू रचना तैयार करना। सांची का अर्थ क्या होता है? ये सांची जो सांचा शब्द का अपभ्रंश है जिसका तात्पर्य है हूबहू रचना तैयार करना। राजस्थानी कन्याएं सांची को लोक देवी, गौरी, पार्वती, ब्रह्मा की मानसी कन्या, संध्या, दुर्गा देवी, राधा रानी तथा वरदायिनी आराध्य देवी के रूप में पूजती हैं। और राजस्थान में सांची बनाने की परंपरा वृंदावन से आई। ठीक है गैज। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी जहाँ अष्टमी लगा हुआ है वो तो है कि अष्टमी को होता है, किंतु कौन सी अष्टमी को? तो शीतलाष्टमी जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इसका पूज्य जो प्रतीक माना जाता है वो कौन सा है? खेजड़ी की टहनी। सवाल पूछे जाते हैं इसी तरह से। तो पूज्य प्रतीक यानी कि किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की टहनी जो है वो इसका पूज्य प्रतीक माना जाता है। और इस त्यौहार में क्या होता है? पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे बाशोड़ा या बासेड़ा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? बाशोड़ा या बासेड़ा भी कहा जाता है। तो शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला हमारा जो सवाल है वो गणगौर को लेकर के है। तो गणगौर की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर गणगौर जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और अंग्रेजी माह की बात करें तो मार्च अप्रैल में। गणगौर में देखो गण भगवान शिव व गौर माँ पार्वती का अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पूछा जाता है एग्जाम में इस तरह के सवाल, तो गण गौर में जो गण प्लस गौर अर्थात गण भगवान शिव व गौर माँ पार्वती का अभिप्राय है, तो अगर पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना। और गणगौर पार्वती के गोने का सूचक माना सूचक है, ठीक है। और इस ये फेस्टिवल कृष्ण एकम से शुरू होकर चित्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और राजस्थान में त्यौहारों का अंत इस उत्सव से माना जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो त्यौहारों का अंत कौन से उत्सव से माना जाता है? गणगौर से। सिंजारा पर्व गणगौर एवं तीज के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दिन पूर्व पुत्री या पुत्र वधु के लिए श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। गणगौर व तीज की तुलना मिस्र के त्यौहारों से की जाती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और गणगौर का त्यौहार राजस्थानी त्यौहार में सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार माना जाता है। जयपुर में तीज और गणगौर को ताल कोटरा में विसर्जित किया जाता है, ये बात इम्पोर्टेंट है। और धींगावार या बैतमार गणगौर, तो ये कौन सी है? धींगावार जोधपुर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े के बाद चित्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद चित्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तक धींगावार की पूजा होती है। धींगा गणगौर की पूजा विधवाएं सुहागिनें दोनों ही करती है। और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ की शाही गणगौर दुनिया की निराली गणगौर मानी जाती है। और तो गणगौर की बात की हमने, गणगौर के बारे में आपको पहली बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये चित्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गण मीन्स भगवान शिव, गौर में माँ पार्वती का अभिप्राय माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोगों ने इसमें बात की तो गणगौर जो है पार्वती के कोने का सूचक है, तो ये वाली बात भी इम्पोर्टेंट है। और सिंझारा पर्व गणगौर तीज के अवसर पर मनाए जाते हैं। और एक बात जो हमने इम्पोर्टेंट की वो ये है कि राजस्थान में जो फेस्टिवल्स का अंत माना जाता है वो कौन से त्यौहार से माना जाता है? गणगौर के त्यौहार से माना जाता है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, किससे माना जाता है त्यौहार अंत, कौन से त्यौहार से माना जाता है? गणगौर के त्यौहार से इसका अंत माना जाता है। और धींगावार बैतमार गणगौर के बारे में हमने चर्चाएं की। और जैसलमेर जो है यहाँ की शाही गणगौर जो है वो दुनिया की सबसे निराली गणगौर मानी जाती है। और बात करें तो लगभग 150 वर्ष पूर्व बीकानेर के जो महाराजा थे उन्होंने जैसलमेर के महाराव से दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से, किससे दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से, शाही गणगौर के ईश्वर को उठा लिया और जैसलमेर की गौर अकेली ही रहती है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी चित्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चित्र शुक्ला चतुर्थी को निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कब निकाली जाती है गणगौर की सवारी? चित्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चित्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो एक ही सवाल में हमारे 3-4 सवाल आ गए हैं, सो दैट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखें गणगौर के बारे में, किसी भी तरह का अगर सवाल आता है तो आप कर पाए। आप देखिएगा स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ है मगर देखिएगा, एक और सवाल कर लेते हैं कि गुडला का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। गणगौर के त्यौहार पर स्त्रियों द्वारा गुडला नृत्य भी किया जाता है। इसमें महिला छेद किए हुए घड़ों में चलते हुए दीपक रखकर सिर पर धारण करके नृत्य करती हैं, तो ध्यान रखना गुडला क्या है। गुडला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और ये गणगौर के त्यौहार पर स्त्रियों द्वारा गुडला नृत्य भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और बात करें आखा तीज, तो आखा जो आखा तीज है वो कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और आबूजे सावे राजस्थान में जन्माष्टमी फुलेर दोज बसंत पंचमी आखा तीज को कहा जाता है। पूज्य प्रतीक शब्द अन्न और हल हैं। और इसकी स्थापना बीकानेर राज्य की स्थापना की गई कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन दान से मिलने वाले पुण्य को अक्षय मानते हैं, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अब अगले सवाल की तरह मूव करेंगे, रामनवमी। तो रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम का जन्मदिवस है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है वैसा माना जाता है सरयू नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहाँ पर? सरयू नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को, भगवान राम का जन्मदिवस। और इस दिन सरयू नदी में स्नान करना जो होता है वो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, यूं कहें कि उसका विशेष महत्व है। कब? तो रामनवमी कब मनाई जाती है? हिंदू माह चैत्र शुक्ल नवमी और अंग्रेजी माह मार्च अप्रैल।
अगला हमारा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरियाली अमावस्या। अमावस्या के नाम से आपको याद आ गए, अमावस्या बोले तो अमावस्या को आएगी, मगर कब आती है? श्रावण अमावस्या को। यह त्यौहार पिट्ठोरी व्रत भी कहलाता है। हरियाली अमावस्या जो है, इस त्यौहार को पिट्ठोरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और कब मनाया जाता है? श्रावण माह के अमावस्या को मनाया जाता है। जिस नारी की संतान प्रसूति के बाद मर जाती है, तो इस दोष के निवारण के लिए व्रत किया जाता है और कल्प वृक्ष की पूजन की परंपरा मानी जाती है। और राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष मेला भरता है। कहां पर भरता है? अजमेर में स्थित मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष का मेला भरता है। एक और सवाल कर लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो गुरु पूर्णिमा जो है, उसका पूज्य प्रतीक गुरु यानी कि शिक्षक है। और आषाढ़ पूर्णिमा इसे शिव का शयनोत्सव तथा कोकिला वर्त पूर्णिमा भी कहते हैं। और कई स्थानों पर इस दिन महर्षि व्यास की पूजा होती है और इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पर अंग्रेजी माह जून जुलाई में ये आता है। अब इसी में एक और सवाल देख लेते हैं, नाग पंचमी। तो नाग पंचमी जो है अंग्रेजी माह जुलाई अगस्त, श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को। और इसका पूज्य प्रतीक मुंज के नाग सर्प। मारवाड़ में यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा छोटी तीज। तो छोटी तीज अंग्रेजी माह है जुलाई अगस्त में, और हिंदू माह है श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। पूज्य प्रतीक की बात करें तो सुहाग पिटारी एवं नवग्रह। क्या क्या है? सुहाग पिटारी एवं नवग्रह है, इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि राज्य में त्योहारों का आगमन किससे होता है? तीज से। तो आगमन तीज से और अंत किससे माना जाता है? गणगौर से। लड़कियों का सिंजारा पर्व मनाया जाता है। और जयपुर एवं सेकावाटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में तीज की पूजा की जाती है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले छोटी तीज को लिया, बड़ी तीज की बात करते हैं। बड़ी तीज या कजली तीज? तो बड़ी तीज की बात करें या कजली तीज, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। या अंग्रेजी माह अगस्त सितंबर, हिंदू माह की बात करें तो बड़ी तीज या कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु की मंगल कामना की जाती है। और ये जो त्यौहार है वो पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह व्रत गौरी व्रत भी कहलाता है। इसे सातोड़ी तीज और बूढ़ी तीज भी कहते हैं। याद रखना, कजली तीज को ही बड़ी तीज कहते हैं, इसे ही सातोड़ी तीज भी कहते हैं और इसे ही बूढ़ी तीज भी कहते हैं। और इस दिन महिलाएं नीम की पूजा करती हैं। और राज्य में कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो अंग्रेजी माह है अगस्त सितंबर में, और हिंदी माह की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पूज्य प्रतीक की बात करें तो खेजड़ी पूजन। पूज्य प्रतीक क्या है? खेजड़ी पूजन। और विशेष अगर अपन लोग तथ्य की बात करें, भाई क्यों मनाया जाता है, तो इस तिथि को रात्रि के में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। और राजसमंद जिले में स्थित नाथ द्वारा में जन्माष्टमी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? राजसमंद जिले में स्थित नाथ द्वारा में जन्माष्टमी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है मेला? नाथ द्वारा। कहाँ पे? राजसमंद में। ठीक है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, और पूज्य प्रतीक खेजड़ी पूजन माना जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अंग्रेजी माह की बात करें तो लमसम अगस्त सितंबर, इससे चत्री चौथ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? चत्री चौथ के नाम से भी। चत्री चौथ के दिन जो नवविवाहित होते हैं उनको सिंजारा भेजा जाता है। किनको? नवविवाहित जो होते हैं उनको सिंजारा भेजा जाता है। और राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश जी का मेला रणथंबोर
स्वाई माधोपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? रणथंभौर स्वाई माधोपुर में। और चौक चांदनी, एक बात और बताएं कि देखिएगा गणेश चतुर्थी पर बालकों द्वारा जो विद्यालयों में श्वान किए जाते हैं और वो अपने चेहरों पर ना अलग अलग तरीके के नकाब लगाते हैं, इसे होकड़ा कहते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाए होकड़ा क्या होता है। बात करें ऋषि पंचमी की, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। और बात करें राधाष्टमी तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। राधा का जन्मोत्सव है। अजमेर स्थित सलेमाबाद की निम्बार्क पीठ में मेला आयोजित होता है। और अब बात करते हैं जैसा कि ऋषि पंचमी की बात की, तो ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को है और गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। और यह भगवान बृहस्पति की पूजा करने का त्यौहार मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन मनाई जाती है। कौन से समाज में? माहेश्वरी समाज में राखी का जो त्यौहार है वह कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी को। और राधाष्टमी की भी बात की हमने, ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, राधा का जो जन्मोत्सव है उसको लेकर। और इस पर्व पर अजमेर स्थित सलेमाबाद की निम्बार्क पीठ में मेला आयोजित होता है। विश्वकर्मा दशमी की बात करें तो हिंदू माह है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इस दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है। और पूज्य प्रतीक यंत्र औजार है, कौन सा है? औजार। और बात करें यहाँ पर अनंत चतुर्दशी, तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। और बात की जाए दुर्गाष्टमी, तो ये आशीवन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आशीवन शुक्ल एक से लेकर नौ तक, इसे शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। और 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा कर नौ कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और बात करें रूप चतुर्दशी, तो ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी